नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक जबरदस्त विला लेकर के आ गया हूं जो कि 104 वर्ग गज में बना हुआ है। अब हमारे बहुत सारे व्यूवर्स थे जो कि मैसेज पे मैसेज करते हैं, कमेंट पे कमेंट करते हैं कि कुछ अच्छी जगह पे लेकर के आइए। तो लीजिए, मैं आपके लिए हीरापुरा पावर हाउस के पास में लेकर के आ गया हूं। 104 गज में चार वर्ग गज में बना हुआ और ये JDA अप्रूव्ड विला, जो कि अगर आप फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। अगर यहां से रोड की बात करूं तो ये रोड जो है 40 फीट का रोड निकल रहा है। आप देख रहे हैं, इधर से 40 फीट का रोड निकल रहा है और सभी प्रकार की एमिनिटीज यहाँ पर बहुत ही नियरेस्ट मिल जाती है। आपने देखा, इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ अंदर अगर आप स्पेसेस देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसेस मिल जाता है। मैं घर के अंदर आपको लेकर के चलूँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और हमारे नए चैनल पे प्लीज़ हमें वहाँ पे सपोर्ट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने देखा कि आप फ्रंट एलिवेशन कितने ज़बरदस्त तरीके का है। अब यहाँ पर जो है डबल पलर का गेट मिल जाता है जो कि आयरन का है। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको जो है 7x13 का ह्यूज साइज में जो है पॉर्च एरिया मिल जाता है। पॉर्च एरिया की मैंने साइज बताया, साथ साथ वाटर टैंक प्रोविजन मिल जाता है यहाँ पर, जो कि 5 से 6 हज़ार लीटर का वाटर टैंक प्रोविजन है। यहाँ पर जो स्पेस मिल रहा है आपको, वो 6x6 का स्पेस मिल जाता है। जहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर टैप आपको लगा करके दिए गए हैं। आप चाहें तो इधर अपना जो है वॉशिंग एरिया की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 16x58 जो इसका डायमेंशन मिल जाता है। फ्रंट 16 का है और डेप्थ जो है इसके 58 की है, JDA अप्रूव्ड है। और अंदर से आप देखेंगे तो सच में दिल खुश होने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाइट देख लीजिए कितने ज़बरदस्त तरीके का, कितना ऊँचा हाइट इस मकान का दिया गया है। जितने ऊँची हाइट मकान की होगी उतना ही अच्छा वेंटिलेशन और उतना ही अच्छा जो है सनलाइट आपके घर के अंदर होता रहेगा, देख रहे हैं आप। और वुडन का टेक्सचर दिया गया है। सामने की साइड में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े ग्लासेस और काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है, जिससे प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन आपके घर के अंदर होता रहेगा। अब देखिए डिज़ाइन आपको वॉल्स पे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है, हालांकि सीमेंट पे आपको जो है डिज़ाइन बना करके दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही एक अच्छा लुक आपके घर को दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करूँ हॉल की, तो हॉल के साइज़ की बात करूँ, देखिए कितना ह्यूज साइज़ में हॉल आपको मिल रहा है। और साथ साथ सामने की साइड में आपको वॉलपेपर लगा करके दिया गया है, फैंसी लाइट दोनों ही साइड में मिल जाती है। बीच में आप देख रहे हैं कि एसी का सेपरेटली पॉइंट आपको दिया गया है। हॉल के साइज़ की बात करूँ तो 16x21 का साइज़ आपको हॉल का मिल रहा है। देखिए कितना ह्यूज साइज़ है, कितना स्पेसिस साइज़ है। और अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें जो है अपने जो है डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया दोनों ही अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। सामने की साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज में जो है आपको LED पैनल दिया गया है। 32 इंच की जो है इजीली यहाँ पर LED इंस्टॉल्ड हो जाएगी। नीचे की साइड में काफ़ी एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप सोफा सेट या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें इन फ्यूचर तो यहाँ पर जो है कैबिनेट आपका लग करके जो है वार्डरोब लग करके अंदर जो भी आपका नेसेसरी सामान है वो यहाँ पर आप रख पाएंगे। सामने की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर शिंक लगा करके दिया गया है जो कि सहरा का है। सहरा और जगवार की फिटिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर जो है टाइल्स वगैरह लगा करके दी गई है, देख पा रहे होंगे आप। और नीचे की साइड में आप टाइल्स देखेंगे तो 2x2 की टाइल आपको मिल रही है। और सबसे पहले मैं आपको इसी तरफ ले चलता हूँ, जाकि किचन की ओर लेकर के चल रहा हूँ। किचन की अगर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर 8x10 का किचन का साइज मिल जाता है। देखिए कितना स्पेसिस साइज है, यहाँ पर काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं। और सनमाइका आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी की सनमाइका लगा करके दी गई है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ में मिल जाता है आपको। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से अंदर चला जाता है। और यहाँ पर अगर आप पैनल्स की बात करूँ तो ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलता है, तो ईजिली अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है काउंटर टेबल यहाँ पर यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। ऊपर की साइड में देख रहे हैं काफ़ी बड़ी विंडो है और साथ साथ यहाँ से जो है प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन हो रहा है। और सामने की साइड में इस वॉल पे आपको हॉल बना करके दिया गया है, जहाँ से जो है आपका चिमनी इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से आउटर आपके लिए बाहर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर किचन के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपको फोर सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है। हॉल के अंदर आपने देखा कि फोर सीलिंग जो डिज़ाइन है बहुत ही डिजाइनेबल तरीके का मिल जाता है। और जीने की अगर बात करूँ तो जीना या स्टेयर्स अंदर की साइड से दी गई है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर करके जाएगी। और यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम और कॉमन में बाथरूम मिल जाता है। यहां पर तीन तो बाथरूम है, दो अटैच में है और एक यहां पर कॉमन में दिया गया है। साइज की अगर बात करूं तो साइज यहां पर आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है 9x5 का। देखिए मैंने आपको बताया कि सहरा की फिटिंग है और जगवार की फिटिंग करके दी गई है। प्लीज एक बार दिखा दीजिए, जगवार की फिटिंग देख रहे हैं आप, सैनिटरी में पूरी जो है जगवार की फिटिंग करके दी गई है। और यहाँ पर जो है सहरा की यूज़ किया गया है, सहरा और जगवार। अब नाम काफ़ी फेमस है, आप जानते ही होंगे। यहाँ पर सामने की साइड में देख रहे हैं विंडो है, जहाँ पर प्रॉपरली आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। ऊपर की साइड में एग्जॉस्ट लग जाएगा। यहाँ पर वॉल फिटेड जो है आपको फ्लश लगा करके दिया गया है। ये आपकी हो गई शीट, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं
और यहाँ पर हाइट काफी अच्छी दी गई है टाइल्स की भी, तो काफी एक अच्छी चीज है। और ये हो गया आपका शावर एरिया जहाँ पर आप शावर ले पाएंगे। और टाइल्स देख रहे हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ में टाइल्स है। और अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके रूम की तरफ, लेकिन वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ हमारे नए चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। रूम का साइज देखिए कितना ह्यूज साइज है, हाथ फैला के दिखा दूं, 16x12 का साइज यहाँ पर इस रूम का आपको मिल जाता है। प्राइस बता देता हूँ, प्राइस जो है इसका आपको आस्किंग प्राइस है 56 लाख रुपए, JDA अप्रूव्ड है, ज़्यादा नहीं है। धाबास के अंदर स्थित है, जयपुर धाबास रोड पर स्थित है और हीरापुरा पावर हाउस से बहुत ही नियरेस्ट है। यहाँ पर बात करूँ कि सामने की साइड में एक बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ में आपको जो है वॉलपेपर डिज़ाइन मिल रहा है। ऊपर की साइड में सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का दिया गया है और सीलिंग फैन यहाँ पर बिल्डर के माध्यम से लगा करके दिया गया है। ये आ गया यहाँ पर आपका, अब देख रहे हो इसमें आप इतना बड़ा साइज है तो एक अलमीरा आपको देनी चाहिए थी, वार्डरोब देनी चाहिए थी, लेकिन रुकिए, यहाँ पर आपको मिल रही है वार्डरोब, किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो अभी लॉक लगा रखा है। ये आपकी काफ़ी बड़ी वार्डरोब यहाँ पर आपको बना करके दी गई है। सामने की साइड में ड्रेसअप होने के लिए देखिए आपको मिरर लगा करके दिया गया है, आप मतलब अपने आप को प्रॉपरली ड्रेसअप कर पाएंगे। साइज़ की अगर बात की जाए तो 5x5 का साइज़ यहाँ पर आपको इस एरिया का मिल जाता है। अब इस रूम के साथ और क्या कुछ मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। सामने के साइड में जो है काफ़ी बड़ा LED पैनल दिया गया है जहाँ पर प्रॉप आपका जो है प्रॉपरली 32-44 इंच का LED इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे के साइड में जो भी आपके डिजाइनेबल आइटम है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। सामने की साइड में देखिए कितनी बड़ी विंडो है जहाँ से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन होता रहेगा। और अब आ गया इसका बैकयार्ड एरिया, देखिए कितना अच्छा सनलाइट है और कितना अच्छा जो है यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा। और यहाँ पर बैकयार्ड के एरिया में आ गए हैं हम लोग। और साइज़ की बात की जाए 7x4 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो है आपकी जो है वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हैं, टैप आपको लगा करके दिया गया है। यहाँ पर जो है जाल लगा करके दिया है, बहुत ही मजबूत जाल यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है, कोई बर्ड्स वगैरह जानवर अंदर ना आ जाए, एज अ सेफ्टी पर्पस बहुत एक अच्छी चीज़ है। साइज़ काफ़ी अच्छा है, अपने अकॉर्डिंगली आप चाहें तो उसे जो है स्टोर रूम या फिर वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि मैंने ग्राउंड फ्लोर पे सारी ही चीज़ें आपके साथ में बताई हैं, सारी चीज़ें रिवील कर दी हैं। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिए स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है, जिंदल की रेलिंग यहाँ पर यूज़ की गई है। यहाँ पर देख रहे हैं स्टेयर्स में आपको छोटी छोटी LED लाइट्स मिल रही हैं, रात के समय जो है बड़ी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टेयर्स आपको जो सीढ़ियाँ हैं ईजिली आपको जो है विजिबल होगी। अब हम लोग आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की ओर, और ऊपर की साइड में भी आपको एक और हॉल मिल जाता है। हॉल का साइज काफी स्पेसेस है, 12x14 का साइज यहाँ पर दिया गया है। आप चाहें ऊपर की साइड में यहाँ पर सोफा सेट लगा सकते हैं उस साइड में, और इस साइड आपका LED लग सकता है। यहाँ पर आपके स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सामने की साइड में देखने काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके का जो है वॉलपेपर डिज़ाइन है। ऊपर की साइड में जो है आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है, LED कॉप्स लगा करके दिए गए हैं। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके सेकेंड बेडरूम की ओर, जो कि मास्टर बेडरूम है, और उससे पहले ही आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका बाथरूम। तो आज ये साइज़ की बात करूँ तो 7x5 का साइज़ फिर से काफ़ी ह्यूज साइज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सहरा और जगवार की फिटिंग है, ये शावर एरिया आ गया, यहाँ से आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। ये आपका सिंक आ गया जहाँ पर आप हैंड वॉश कर पाएंगे। अब मैं लेकर के आ गया हूँ उसके बेडरूम की ओर, और बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो 15x14 का साइज़ बेडरूम का दिया गया है। यहाँ पर जो है सामने की साइड में भी कोई टेक्सचर नहीं लगा करके दिया गया है, आप इन पर अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं जब भी आप, अगर आप सेट होते हैं उससे पहले, नहीं तो जो है बिल्डर के माध्यम से भी जो है इस पर पेंट कराया जाएगा। यहाँ पर फुल सीलिंग आप डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, साइज़ काफ़ी अच्छा है। सामने की साइड में किंग साइज़ का बेड आपका आ जाएगा, बहुत अच्छा स्पेस है, 15x14 का साइज़ बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर जो है स्विचेस वगैरह लगा कर दिए, इस तरफ आपका LED पैनल लग जाएगा। अब एक चीज़ की कमी फिर से खल रही होगी कि यहाँ पर जो है अलमीरा नहीं है, वार्डरोब नहीं है, तो वार्डरोब इधर बना करके दी गई है आपको, इस साइड में आप देख रहे होंगे, उस साइड आपको खोल के नहीं दिखा पाया था मैं, बंद था। यहाँ देख रहे हैं आप कि काफ़ी स्पेसेस साइज मिला है, ऊपर की साइड में भी काफ़ी स्पेसेस है, और इस साइड में आपको ड्रेसअप होने के लिए मिरर सामने की साइड में लगा करके दिया गया है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि अभी पूरा नहीं हुआ है, इस तरफ देख रहे हैं काफ़ी बड़ी विंडो है, और यहाँ से ही आ जाते हैं हम लोग इसके बैकयार्ड के एरिया में। एरिया के साइज़ की अगर बात करूँ तो 8x4 का साइज़ लगभग आपको मिल जाता है। जाल काफ़ी मजबूत जाल आपको लगा करके दिया गया है, जिससे कि कोई जानवर पक्षी वगैरह आकर के गंदगी ना फैलाए, और एज अ सेफ्टी पर्पज़ भी बढ़िया रहता है।
तो ये चीज़ है। साइज मैंने आपको बताया 104 वर्ग गज में ये JDA अप्रूव्ड बना हुआ धाबास रोड पर हीरापुरा पावर हाउस के बहुत ही पास बहुत ही नियरेस्ट मिल जाता है। और लोन की अगर बात की जाए तो 80-90% तक यहाँ पर आपको लोन हो जाएगा। लोन से रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलने वाला है। थर्ड बेडरूम की ओर लेकर के आ गया हूँ। थर्ड बेडरूम के अंदर आए तो उससे पहले मैं दिखा दूँ, काफ़ी बड़ी यहाँ पर वार्डरोब है, काफ़ी स्पेसेस वार्डरोब है। ये देखिए काफ़ी स्पेसेस वार्डरोब है जहाँ पर अपना कोई भी सामान बहुत ही ईजिली आप रख पाएंगे। तो ये इसकी वार्डरोब हो गई है। और यहाँ पर आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया जहाँ पर अपने आपको आप ड्रेसअप कर पाएंगे। ये देख रहे हैं इधर आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया जहाँ पर अपने ड्रेसअप कर पाएंगे अपने आपको। ऊपर भी वार्डरोब है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके अटैच बाथरूम की ओर। और फिर से साइज़ की अगर बात की तो 7x4 का साइज़ आपको लगभग यहाँ पर बाथरूम का मिल जाता है। और काफ़ी लेंथ में काफ़ी लंबा है। वॉल विटेड आपको जो है फ्लश मिल जाता है। वेस्टर्न टॉयलेट है। ये आ गया आपका शावर एरिया। ऊपर की साइड में वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ से आपको मिल रहा है जहाँ से सनलाइट भी हो रहा है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। लाइट जलाने की दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम लोग आ गए इसके लास्ट बेडरूम की ओर। 3BHK है तो लास्ट बेडरूम की ओर आ गए। साइज़ फिर से मैं बता दूँ, काफ़ी ह्यूज साइज़ है। 16x11 का साइज़ मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर फैंसी लाइट्स कितनी सारी लगा करके दिखे। ऊपर की साइड में देखिए फैंसी लाइट यहाँ पर लगा करके दी गई है। फैन यहाँ पर जो है लगा करके दिया गया है। सामने की साइड में देख रहे, देखिए एंट्रेंस होते ही आपको वार्डरोब मिली थी। अब इस साइड में भी आपको काफ़ी बड़ी बड़ी वार्डरोब दी गई है। वार्डरोब का साइज़ काफ़ी ह्यूज है। जो भी सामान आप रखना चाहें वो इधर रख पाएंगे। साइज़ रूम का भी काफ़ी ह्यूज है। और अब इसमें जो अटैच में आपको मिल जाती है यहाँ पर बालकनी वो दिखाऊंगा, लेकिन सामने वाली वॉल पे देखिए एसी का सेपरेटली पॉइंट है। और फोर सीलिंग डिज़ाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है यहाँ पर जो है। अब हम लोग आ गए हैं इसके बालकनी की ओर। बालकनी की अगर साइज़ की बात की जाए तो 8x4 का साइज़ यहाँ बालकनी का मिल जाता है। आसपास का सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं। 40 फीट का रोड। ₹56 लाख जो है इसका आस्किंग प्राइस है। और जैसे कि बिल्डर के माध्यम से बताया गया कि ₹56 लाख आस्किंग प्राइस है इसका। और जब भी आप आएँ विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद में अगर कुछ समझ में आता है तो आप जो है बिल्डर से बैठ करके निगोशिएट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सभी प्रकार की जानकारी जो है मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया, अधिक जानकारी चाहते हैं तो जो है बिल्डर के नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घर बैठे घर सिर्फ AR होम्स ही दिखाता है। और हमारे नए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।